एक तांत्रिक पर फिर से लगा आरोप। एक अधेड़ महिला ने लगाया आरोप कि वो बीमारी के चलते गई थी इस तांत्रिक के पास और तांत्रिक ने उसके साथ जो किया वो एक दुराचार था। पीड़ित महिला का आरोप है कि शुक्रवार को अपने गांव के इसरार के साथ सुबह इलाज के लिए पहुंची तांत्रिक ने महिला के साथ गए हुए इस व्यक्ति को सामग्री लाने के लिए बाहर भेज दिया और अकेलेपन का फायदा उठाकर महिला के साथ जबरदस्ती की। जब ये व्यक्ति वापस आया तो महिला ने इस तांत्रिक की सारी करतूत इस व्यक्ति को बताई और महिला को कार्यवाही ना करने के लिए जान की धमकी भी दी गई। इस तांत्रिक ने कहा कि अगर इसके बारे में किसी को जानकारी दी गई तो वे इसे जान से मार देंगे, पर पीड़ित महिला ने इस पर तहरीर देकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है और आगे की कार्रवाई की मांग कर रही है। पूरा मामला जो है तांत्रिक के मुल्ला ने रहा हमका पहाड़ पता दोहरा एक दिन पहले गए रहा तो फिर इन्हें अपन हाल पता मुल्ला न दो तो फिर हम जहाँ मकान उठा तब जहाँ गए रक्षा करके तो मेरे साथ भैया होते इन्हें हमका बैठा रहो इन्हें पर्चा लिख के दो हम कहीं सीना में चिपकाओ सीना में यहाँ चिपकाओ फिर कोई चीज़ जरूरत इन्हें पड़ी तबीज के लेते मैं हमें तीन तबीज दे फिर इन्हें इन्हें बाहर भेजा तब सौदा के लिए मोबाइल गया भूल बोलवे मैया जे आप वापिस घूमे और जो हमारे संग ऐसा ही सब गलत काम किया मुलाना नहीं रहे उसका कर्म करे और जब भैया से रहे भैया से तो पुत्र कार भाई तो भैया से कान गए जान जान से मार दे तो भैया के लेके अब 9 बजे के लिए बात है भैया के लेके हम 9 बजे हम थाने आए। क्या है सर पूरा मामला? सुशीला है वाइफ आप बोले ये कल आई थी कन्या को बिकू के रहने वाली है 9:30 बजे आई थी तांत्रिक यून उसके घर पे तो बता रही कमरे में बंद करके इसके साथ। रजनी शर्मा के साथ नूरुल आमीन की रिपोर्ट।